और ये देखो समय कैसा बदलता है। जो लोग ताजमहल को देखते ही जाने क्या क्या कहने लगते थे, ताजमहल को अपनी संस्कृति का हिस्सा नहीं मानते थे, अपनी हेरिटेज नहीं मानते थे। ठीक बात है, उनके विचार हो सकते हैं, लेकिन देखो भगवान राम ने क्या कर दिखाया कि आज वेस्ट गेट पर ही स्वच्छता का अभियान चलाना पड़ गया, ताजमहल के वेस्ट गेट पर। हम तो भगवान राम का धन्यवाद देंगे, ये हमारा कमाल नहीं है, नागरा वालों का कमाल है। हम तो भगवान राम का धन्यवाद देंगे और मधुसूदन शर्मा जी का धन्यवाद खास कर देंगे, क्योंकि इनके आने से ही कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है कि वेस्ट गेट पे भी अब झाड़ू लग रहा है। हो सकता है झाड़ू खत्म हो गया हो। ये बड़ी समस्या है कूड़े वाली, और कूड़ा खत्म करने का चुनाव भी आ गया है। ये जो चुनाव है अभी आने वाले समय में, ये कूड़ा खत्म करने वाला ही है, क्योंकि जो चुने जाएंगे उनकी जिम्मेदारी होगी कि नाली साफ हो और कूड़ा भी इस शहर में न दिखाई दे। मैं ये कह सकता हूँ आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, क्योंकि तारीख अभी नहीं आई है, अगर कूड़े की सफाई कोई कर सकता है और कूड़े को कोई ठीक से समझता है तो वो है समाजवादी पार्टी। कूड़े को कहाँ फेंकना है, कूड़े को कहाँ रखा जाए, शायद हम समाजवादियों से बेहतर कोई नहीं समझता होगा। इसलिए तमाम उत्तर प्रदेश की जनता से हम कहेंगे कि इस कूड़े हटाने के लिए, कूड़े को सफाई में बदलने के लिए समाजवादियों की भी मदद करें। हमने तो ये कहा है कि आगरा अंतर्राष्ट्रीय शहर है, कारोबार बड़े पैमाने पर होता है, लोग बड़े पैमाने पर आते हैं, दुनिया के दूसरे हिस्से से लोग आते हैं, और कभी कभी बातचीत में हमें जानकारी मिली है कि लोग अपने को वादा करते हैं, अपने साथी को वादा करते हैं कि अगर हमारा आगे सफ़र होगा साथ साथ तो फलाने वर्ष में हम जाकर के ताजमहल को देखेंगे, उस कुर्सी पर बैठ कर के तस्वीर खिंचाएंगे। झाड़ू तो लग गई है, हमें इंतज़ार तस्वीर का है। हमारी तो बचपन की भी तस्वीर है उसके सामने, हमारे जितने लोग हैं सबकी तस्वीर होगी ताजमहल के सामने। और जो ताजमहल देखने जाता है उसकी ख्वाहिश होती है कि ताजमहल के सामने उसकी तस्वीर जरूर खिंच जाए। मैंने इसीलिए कहा कि पत्रकार साथी आप समझ नहीं पाए बात, मैंने कहा था कि कुछ लोग अपने साथी को वादा करते हैं कि फलाने फलाने साल में जब हम लोग साथ होंगे तब जाकर के ताजमहल के साथ फोटो खिंचवाएंगे। तो इसलिए ताजमहल के आसपास जितना काम समाजवादियों ने किया है उतना कोई नहीं कर सकता। ये जो पानी पर रबर डैम की बनने की बात बताओ, लखनऊ का रबर डैम रोक दिया इन्होंने, गोमती पे सबसे पहला देश का और रबर डैम बना था, गोमती का किनारा पसंद नहीं आया, रबर डैम रोक दिया। लेकिन दुनिया में जो बदनामी हुई भारतीय जनता पार्टी की, कहीं ना कहीं केंद्र से दबाव आया होगा तब जाकर के ताजमहल पे मुख्यमंत्री जा रहे हैं और वहाँ बता रहे हैं कि उनकी सरकार ने क्या क्या काम किया है, और हम बताना चाहते हैं कि उन्होंने क्या क्या काम रोका है। वहाँ डैम बनने वाला था वो रोक दिया रबर डैम, वहाँ पर मुगल म्यूजियम बन रहा था वो रोक दिया, ताज कैफे सेंटर बन रहा था वो रोक दिया, फतेहाबाद रोड को बनना था फोर लेन सुंदर अच्छी जिस तरह से वो बनी है एक कॉबल स्टोन्स की, उससे बेहतर सड़क बननी थी। ये जो पार्किंग का कल सुप्रीम कोर्ट से आया, शायद सरकार अगर ध्यान से अपनी बात रखती तो शायद सुप्रीम कोर्ट भी सहमत होती कि वहाँ सबसे ज़्यादा पार्किंग की कितनी ज़रूरत है वहाँ पर, वो भी रुक गया। आपकी इनर रिंग रोड जो बन रही थी आधी अधूरी बन गई, आधी और बननी थी वो भी रुक गया, और जितना विकास कार्य होना था आगरा का वो सब का सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रोका है। अब हमें लगता है कि मुख्यमंत्री गए तो शायद कुछ आगरा को थोड़ा बहुत मिलेगा। जहाँ तक हमारे साथी साथ आए हैं उन सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूँ, बधाई देता हूँ।
और हाल ही में एयरफोर्स का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, अपनी तरफ से, प्रदेश की जनता की तरफ से, प्रेस की तरफ से भी, और भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं गए उनकी वजह, उनकी तरफ से भी, कि उन्होंने बहुत शानदार एक एयर शो कराने का काम एक्सप्रेसवे पे किया है। शायद बीजेपी के लोगों को एक्सप्रेसवे में कोई कमी नज़र नहीं आई, हो सकता है उनके लोग मोबाइल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, आरएसएस के माध्यम से कह सकते हैं कि सड़क तो ठीक थी, शायद हरकुलिस में कुछ कमी रही होगी जिसकी वजह से वो उतर गया है। इसलिए मैं सभी का धन्यवाद देता हूं, और क्योंकि सरकार को काम नहीं दिख रहा है, मैं तो एक अखबार पढ़ रहा था, उसमें लिखा कि समाजवादी लोग कागज पर काम करते थे, समाजवादी लोग कागज पर काम करते थे। शायद आगरा गए हैं मुख्यमंत्री जी, वो जान जाएंगे, और अगर सड़क से आएंगे तो वो ये जान जाएंगे कि सड़क कैसी है, और वो जगह भी देख लेंगे जहां पर अभी कुछ दिन पहले एयरफोर्स ने बहुत अच्छे एयरक्राफ्ट उतारे थे। इसलिए इन तमाम साथियों का जो आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं, हम अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से इन सबका स्वागत करते हैं। हमें उम्मीद है ये मिल करके और इनके सहयोगी साथी मिल करके हमारी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और साइकिल की रफ्तार को और तेज़ी से आगे ले जाने का काम करेंगे। और हमारे समर्थक साथियों से एक मिनट चुप रहिए, थोड़ी अगर बातचीत करना चाहेंगे तो उन्हें कर लेने दें, आप लोग कुछ बोलना नहीं, आप लोग केवल सुनना, क्योंकि यहाँ प्रेस के साथी भी हैं। इसलिए ये तो पुराना याद दिला दिया कि एक सरकार ऐसी थी जहां नजरबंद कर दिया जाता था लोगों को। मैं ये कहता हूं, एक बात जो कहना भूल गया था मैं, नजरबंदी से मुझे वो बात याद आ गई, ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही अन्याय करने वाली है, दुख देने वाली है। आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता केवल अपनी मांग लेकर के आई थी और उन मांगों को लेकर के आई थी जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनसे वादा किया था चुनाव के समय पर। उन्होंने चुनाव के समय पर जो वादे किए थे उन वादों को याद दिलाने आई थी, लेकिन इस सरकार ने किस तरीके से उनके साथ अन्याय किया, लाठीचार्ज किया, और मैं तो कहूँगा कि उन महिलाओं का कितना बड़ा अपमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, जहाँ पर महिला पुलिस नहीं हुई, पुरुष पुलिस, जो पुरुष थी उसने अन्याय किया। अब वो तस्वीरें आपके माध्यम से हम लोगों तक पहुंची हैं, देखी हैं कि ऐसा शायद लखनऊ में कभी भी महिलाओं के साथ किसी सरकार ने नहीं किया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ये वही याद दिला रहा है कि जिस तरीके से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में छात्राओं के साथ इनकी सरकार ने अन्याय किया था। और याद रखना, जो सरकार अन्याय करती है, समय आने पर जनता ऐसी सरकारों को सबक सिखाने का भी काम करती है। क्या चला रहे हैं? देखिए, क्राइम में मैं ये बात कह सकता हूं कि लूटपाट इतनी बड़ी है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अखबारों में और हमें दूसरे लोगों के माध्यम से सूचना मिलती है, न जाने कितनी चोरी, छीना झपटी, पैसे की लूटपाट, ये बड़ी है। और इसलिए बड़ी है कि लोगों के पास नौकरी और रोजगार नहीं है, जो कारोबार हो रहा था वो रुक गया है। मैं जानना चाहता हूँ कि बिल्डिंगें कितनी बन रही हैं, मैं जानना चाहता हूँ सड़क कितनी बन रही है, मैं जानना चाहता हूँ पुल कितने बन रहे हैं, स्कूल कितने बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज कितने बन रहे हैं, या गिट्टी या मोरंग या कहाँ है, सब काम ठप है, मजदूर है ही नहीं, कहाँ नौकरी करेगा, कहाँ कारोबार करेगा, काम कहाँ मिल रहा मजदूरों को। तो इसलिए ये बहाना न करे सरकार, इस सरकार ने पूरे देश की और समाज की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है। और जो पर्यटनों के साथ हुआ है, मैंने अखबार पढ़ा है, मेरी जानकारी केवल अखबार के माध्यम से है कि एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने आया फतेहपुर सीकरी, और उसके साथ सेल्फी खिंचाने की कोशिश की, जब उसने मना किया तो उन्होंने मारा, पीटा, अस्पताल तक भर्ती हो गए। मैं जानना चाहता हूँ वो रोमियो वाली पुलिस कहाँ पर है, वो रोमियो वाली पुलिस कहाँ पर है,
और पता कर लीजिए आप, जिन लोगों ने ये छेड़खानी की है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़े लोग होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं, आप जानकारी कर लीजिए उस बात की, क्योंकि लगातार ये जानबूझ करके नहीं चाहते कि टूरिज्म बढ़े इस देश में। बताइए, वहां सीआईएसएफ है, पुलिस है, पुलिस है, सीआईएसएफ है, और न जाने कितनी पुलिस रहती है। ताजमहल के अंदर चले गए और कह रहे हैं कि शिव मंदिर है ये, मंत्रों का उच्चारण करने लगे जाकर के केवल भगवा पहन करके। मैं तो जानना चाहता हूं कि सीआईएसएफ के लोग क्या कर रहे थे, पुलिस के लोग क्या कर रहे थे, थाने के पुलिस के लोग क्या कर रहे थे। जो दुनिया की हमारी पहचान है, हम कहते हैं कि वो वंडर्स में आता है, सरकार हटा दे उस सूची से नाम इसका। क्या हिम्मत है केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की कि उस वंडर्स की सूची में से ताजमहल को हटा दें?